हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड जागृति और आज का मेरा ब्लॉग शुरू होता है एकदम सुबह सुबह मॉर्निंग टाइम से और आफ्टरनून तक मैं दिखाऊंगी। तो फिलहाल अभी जो मेरा डेली का काम है सुबह का वो सब हो जाता है, झाड़ू पोछा क्लीनिंग ये सब जो रहता है मैं फटाफट उठ के वही करती हूँ। उसके बाद मैं टिफिन बनाने के लिए सब काट रखी हूँ। तो इधर मैं आज बनाने वाले करेले और प्याज और आलू का मिक्स भुजिया, और ये मेरे को बहुत पसंद है करेले वाला। तो फिलहाल ये कितने लोग को नहीं पसंद है, लेकिन जिस तरीके से मैं बना रही हूँ सबको ही पसंद आ जाएगा फिलहाल। तो इधर मैं करेला काट के पहले से रखी थी, उसमें नमक मिला के पहले से रखी थी, उसका जो तीखापन होता है वो निकल जाता है पहले से मिला के रखने से। फिर उसके बाद प्याज डाल के मैं अच्छे से भूनी जब तक रेड हो जाता है तब तक। उसके बाद करेला डाल के भूजती हूँ, मतलब वो जो नमक डालती हूँ उसको निचोड़ के फिर उसमें डालती हूँ, तभी उसका सारा तीखापन निकल जाता है। फिर उसके बाद वो भी रेड हो जाता है अच्छे से, गोल्डन भुन जाता है, तो फिर आलू डालती हूँ। उसके बाद एकदम टेस्टी टेस्टी ये सब्ज़ी रेडी हो चुकी है, एकदम रेड रेड गोल्डन कलर अच्छा लगता है। और बाकी बच्चों को खानी थी पूड़ी और रोटी, सब बना बना के मैं रख ली और चाय भी बना रही। इधर सप्लाई का पानी आ चुका है सुबह सुबह, वो भी आता है, बाकी तो समरसेबल है ही। तो इधर मैं अपना सारा काम कर रही हूँ, चाय भी बना ली, बाकी अभी सब किचन क्लीन करना है। बच्चे भी अपना जगे हुए हैं तो वो सब भी अपना इधर उधर घूमते रहते हैं, ब्रश वगैरह करते हैं, फ़िलहाल कराना भी पड़ता है कभी कभी, कभी कभी खुद कर लेते हैं, उन सब की मर्ज़ी होती है, उन सब के ऊपर ही डिपेंड करता रहता है। तो सारे काम हो चुके हैं, लंच वंच सब बन चुका है, बर्तन वर्तन भी सब मैं धो लूँगी एक ही साथ सब। किचन क्लीन करने के बाद इधर से मैं निकलती हूँ, बाकी बच्चे भी बीच बीच में उन सब का भी काम होता रहता है, करती रहती हूँ सुबह सुबह। डेली का मेरा यही रूटीन रहता है, तो मैं अपना डेली रूटीन ही दिखाती हूँ। फिलहाल मैं डेली वीडियो अपना 4 से 5 बजे के बीच में शाम में टाइम डालती हूँ और एक दिन का गैप देके ही डालती हूँ। डेली डेली वीडियो शूट करने में प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि बच्चे हैं और इतना सारा काम रहता है, खुद भी पढ़ना है और बाकी सारा काम भी करना है, तो थोड़ा प्रॉब्लम आती है, इसलिए मैं एक एक दिन का गैप देके डालती हूँ। तो अपना थोड़ा थोड़ा शूट करके एडिट करके अपना क्लिप वाइज बना के करती हूँ। तो ऐसे ही मैं अपना सारा काम करती हूँ, साथ साथ अपना पढ़ाई भी मैनेज करना है, अपना भाई सपना देखी हूँ पूरा करना ही करना है, पढ़ना है, गवर्नमेंट जॉब पाना है, तो मेहनत तो करना पड़ेगा। तो इधर मैं अपना लंच का भी खाना सुबह ही एकदम बना लेती हूँ 6 बजे ही, क्योंकि उसके बाद मैं पढ़ाई करने बैठती हूँ तो मैं एक टेंशन लगा रहता है खाना बनाना है लंच के लिए, तो मैं ये इसीलिए बना लेती हूँ ताकि भले ही मेरे को ठंडा खाना हो या कुछ भी खाना हो, अपने को ही खाना है फिलहाल, तो इसलिए मैं बना के रख लेती हूँ। मुझे पढ़ाई में डिस्टर्बेंस अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं एक ही बार सुबह में बनाती हूँ अपना लंच का। तो इस तरह सारा हो चुका है और बाकी ये सब बर्तन वगैरह सब क्लीन करूँगी। किचन क्लीन करने के बाद फिर चलूँगी, बच्चों को नहलाना है, उन सबको स्कूल जाना है। तो मैं करेले की सब्ज़ी आप लोग को कितना टेस्टी रेसिपी बताई, कैसा लगता है वो बताइएगा, किसको किसको पसंद है करेले वाली भुजिया। फिलहाल तो मुझे तो बहुत पसंद है आलू करेला प्याज मिक्स का, तो ऐसे बनाने से तीखा भी नहीं लगता है, कड़वा जो लगता है, तीखा नहीं कड़वा लगता है, तो वो मेरे को मतलब हल्का हो जाता है तो अच्छा लगता है। तो ऐसे ही मैं अपना सारा काम सारा रूटीन मैनेज कर लेती हूँ सुबह सुबह, एकदम फास्ट जगती हूँ, रात को सोती हूँ पढ़ के अपना 12-1 बजे करीब सोती हूँ, फिर सुबह ही 6 बजे जगना रहता है। संडे मंडे से फ्राइडे तक तो जगना ही रहता है, बाकी सैटरडे को थोड़ा लेट चलता है। तो अपना इस तरह अपना चाय भी हो गया मेरा, ऐसे ही अपना रूटीन चलता है और बाकी पढ़ाई भी करना है। इसके बाद मैं अपना सारा काम करने के बाद बच्चों को भी नहलाऊंगी, अपना सब इधर किचन में एक एक काम करो तो अपना बढ़ता ही जाता है। तो सुबह सुबह मैं एकदम अच्छे से किचन का गैस वगैरह सब क्लीनिंग नहीं करती, शाम के टाइम में करती हूँ क्योंकि सुबह जल्दी रहता है, इसलिए मैं अपना जल्दी जल्दी थोड़ा कर देती हूँ क्योंकि देखने में सही लगे। बाकी इधर चाय मेरा रेडी हो गया है, पहले तो मैं टेस्ट करूँगी कि चाय का मीठा कैसा है, क्योंकि मेरे को मीठा बहुत पसंद है, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब मीठा होना चाहिए, जो भी है वो स्ट्रांग मीठा होना चाहिए। तो फिलहाल भी चाय रेडी हो गया, अब चलते हैं, फिलहाल बच्चों को नहलाएंगे उसके बाद चाय पियेंगे। तो मैं यही करती हूँ, तो बच्चों को मैं इधर नहला वहला के अच्छा खासा बैठा देती हूँ, इधर चाय रेडी है। किसको किसको चाय पसंद है कमेंट करके बता दीजिएगा। तो बच्चों को नहलाने के बाद टिफिन विपिन उसका सब पैक करने के बाद इधर हम लोग स्कूल पहुंच चुके हैं, तो थोड़ा पहले पहुंच चुके थे तो पार्क में अपना बच्चे खेलने लगे, तो काव्यांश का भी न्यू ड्रेस मिल चुका है, तो ये भी अपना खेल रहा है कूद रहा है। बाकी तो गर्मी बहुत ज़्यादा ही इधर अभी फ़िलहाल पड़ रही है। उसके बाद मैं मोबाइल बंद कर ही अपना घर पहुंची, अपना पढ़ाई में लग गई थी, फिर दोपहर में गई तो अपना लेके काव्यांश को आई, पार्क में बैठी थी, जानवी के बगल स्कूल के बगल में ही पार्क है तो उधर अपना बैठी थी, फिर उसके बाद लेके आई अपना इधर पार्क का, यही पार्क में बैठे रहे। तो फिलहाल इधर चल रहा है कुछ काम वगैरह, लग रहा है वाटर पम्प वम लगेगा, तो फिर हम जानवी को लेके फिर वापस आए घर, फिर बच्चे मेरे सो चुके हैं,
बज गए हैं, 1:30 बज गए हैं। उसके बाद मैं बच्चों को सुलाने के बाद अपना बैठती हूँ, थोड़ा रिवीजन करूँगी, नोट्स बना के रखी हूँ, अपना शॉर्ट ट्रिक्स बना के रखती हूँ। और बाकी इतना राइटिंग तो मेरा बहुत ही गंदा है, लेकिन मेरे को समझ में आ जाता है फ़िलहाल तो, अब दूसरे की नज़र में पता नहीं, लेकिन मैं अपने समझने के लिए बना लेती हूँ शॉर्ट शॉर्ट, तो अब उसका थोड़ा पढ़ूँगी। बाकी बच्चे जगते हैं तो कहाँ पढ़ाई हो पाती है, इसलिए जब भी सोते हैं तो मैं अपना पढ़ती हूँ, लेकिन डेली का सूट नहीं करती, कभी कभी सूट कर पाती हूँ। तो अभी मैं बैठ चुकी हूँ पढ़ाई करने, अभी 1-2 घंटे बच्चे सोएंगे तो मैं अपना पढ़ूँगी। फ़िलहाल तो अभी मैं सीटेट का भरी हुई हूँ, क्योंकि मेरा मतलब पासिंग तो है, लेकिन एकदम पासिंग नंबर ही है, अच्छा नंबर नहीं है, बस पास पास भर ही हूँ, इसलिए इस बार मैं फिर भर दी तो अच्छा नंबर आ जाएगा, तो थोड़ा सही है। तो बच्चों के साथ साथ मुझे अपनी भी पढ़ाई पे ध्यान देना पड़ रहा है, बाकी इतना सारा काम तो रहता ही रहता है। तो ये मेरा सपना है कि मेरे को जॉब करना है, तो भाई मेरे को ये अपना ध्यान देना पड़ेगा, करना पड़ेगा, बच्चों के साथ ही मैनेज करना पड़ेगा। और इतना आसान तो है नहीं गवर्नमेंट जॉब पाना, उसमें तो बहुत मेहनत लगती है, कितना होता है जो जो करता है वही जानता है फ़िलहाल तो कितना मेहनत से मिलता है, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी अगर पानी है तो। तो मेरे बच्चे सो रहे हैं, तो फ़िलहाल मैं तो अपना जग के अपना यही करूँगी, पढ़ूँगी, इसका रिवीजन ही करूँगी, बाकी अभी प्रैक्टिस सेट तो नहीं लगाऊँगी फ़िलहाल। मतलब मैं 2 बार दी थी, मेरा नहीं निकल पाया, तीसरी बार में तो निकला लेकिन पासिंग अब ही आया, इस बार अच्छे से सोच रही हूँ, प्रैक्टिस सेट वगैरह लगा होगा कि अच्छे से करूँगी। तो अभी मैं अपना नोट्स ही बनाई शॉर्ट नोट, अपना रिवीजन ही करूँगी, बाकी 20 तारीख को एग्ज़ाम है, तो अपना एक या दो तारीख से फिर अपना प्रैक्टिस सेट लगाना शुरू करूँगी, क्योंकि प्रैक्टिस सेट लगाने से ही ज़्यादा होता है। तो मैं अपना ऐसे ही प्रिपरेशन कर रही हूँ बच्चों के साथ साथ साथ, बच्चे अपना सोए रहेंगे, जब भी जगेंगे फिर बच्चों को भी उनका होमवर्क कराना, आजकल पढ़ाई भी बच्चों का भी बहुत हार्ड हो गया है, मेरी बेटी UKG में पढ़ती है तो उसका भी याद करवाना, दुनिया भर का मिलता है याद करवाने को, बाकी होमवर्क करने को, तो उन सब के पीछे भी भागना पड़ता है, ये करो वो करो, तो अपना तो फिलहाल जब भी सोते हैं तभी हो पाता है, बाकी जगने के बाद बच्चों का करना पड़ता है। और मुझे बोल बोल के पढ़ने की आदत है, मन में पढ़ती हूँ तो लगता है कि मुझे याद ही नहीं हो रहा है कुछ भी, इसलिए मैं अपना बोल बोल के पढ़ती रहती हूँ, जब भी बच्चे सो जाते हैं तभी अपना जितना चाहे चिल्ला के पढ़ो बोल के पढ़ो, असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि बच्चे थके रहते हैं दोपहर में के टाइम में, तो उन सबको पता नहीं चलता है सो जाते हैं, क्योंकि पैदल पैदल आने में थक जाते हैं बच्चे, वहाँ से नौसेनाबाग से जहाँ रूम है वहाँ तक आने में, तो आराम से सो जाते हैं, मैं भी अपना लग जाती हूँ पढ़ाई में। और बाकी इस बार मैं तो सोची हूँ अच्छे से करूँगी, क्योंकि पिछली बार मैं जब भी दी थी एग्ज़ाम तो ऐसे मैं बिना पढ़े लिखे बिना प्रैक्टिस सेट लगाए ऐसे ही गई अपना एग्ज़ाम दे देती थी, इसलिए मेरा अच्छा अच्छा नंबर नहीं आ पाया, तो इसलिए मैं इस बार सोची हूँ कि अच्छे से एकदम पढ़ूँगी, अच्छे से एग्ज़ाम भी दूँगी। तो फ़िलहाल मेरी तो ऐसे ही चल रही है पढ़ाई, बाकी हाउसवाइफ या फिर जो भी हाउसवाइफ की मेन प्रॉब्लम रहती है जो बच्चे वाले हैं, बाकी तो सिंगल वालों को क्या दिक्कत है कोई नहीं है, तो फिलहाल बच्चों वालों को ही ज़्यादा दिक्कत रहती है, उन लोग की वो भी भरे ही होंगे, फिलहाल उन लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है वो भी बताइएगा कमेंट करके। फिलहाल मेरा तो अपना चलता है ऐसे ही चलता है, और कोई टिप्स होगा अच्छे से पढ़ाई करने का तो वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोग, ताकि अच्छा नंबर और भी आ सके मेरा, तो मेरी पढ़ाई कंटिन्यू रहेगी। और आप लोग वीडियो देखते रहिए, चैनल पहली बार आए तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कैसा लग रहा है कमेंट करके बताइएगा, पसंद आता है तो लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू।